Bueno, ahí
आगे अगर एक कंडीशन चलेगी तो फिर ये इसके अंदर आएगा और अगर एक कंडीशन नहीं चलेगी ठीक है तो फिर वो यहाँ आए और क्योंकि else if लगा हुआ है तो ये इसकी दूसरी कंडीशन चेक हो और अगर ये भी नहीं चलता तो फिर वो इससे आगे चलते आखिर में ये else लगा तो यहाँ ठीक है okay? Everybody understand? Alright. So this is more than enough to know. मैं आपको एक छोटी सी बहुत सारी एग्जाम्पल्स उसकी दे सकता हूँ लेकिन हम अभी ओके ये सारी असाइनमेंट है इसी ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस दिस थिंग ओके ऑलराइट अब हम इसी प्रॉब्लम को वापस आते हैं हमने दो नंबर लिए हमने नंबर को चेक करना है कि ये नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है या नहीं करता ये कैसे चेक करें आप कैसे चेक करें कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है नहीं एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है नहीं करता कैसे पता लगेगा हाँ कैसे पता लगेगा कैसे वेरी गुड अगर हम एक नंबर का दूसरे नंबर से मॉड लें और वो मॉड जीरो आ जाए इसका मतलब क्या है वो पूरा पूरा डिवाइड अगर मॉड ले और वन आए इसका मतलब है कि वो वन वन रिमाइंडर बचता है और अगर टू आ जाए रिमाइंडर उसका मतलब है कि वो डिवाइड नहीं होता वो टू रिमाइंडर बचता है इस तरह अगर अगर मैं डिवाइड करता हूँ और थ्री आंसर आता है उसका मतलब क्या है वो थ्री रिमाइंडर बचता है वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता हाँ अगर जीरो आ जाए इसका मतलब है वो पूरा पूरा डिवाइड होता है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ओके सो इसका मतलब है हमने ये प्रोग्राम लिखना है वो ये ऐसे हम पहला चेक करेंगे इफ N1 divides N2. Sorry, N1 is divisible by N2. यानी N1 का mod लिया N2 के साथ. ठीक है, यानी N1 को divide किया N2 के साथ और हमने check किया कि remainder क्या आता है 0. Double equal to 0. Double equal to हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको याद है मैं अभी जो जितनी भी उसमें एक equal का मतलब होता है assignment. यानी left value और right value left value को assign हो जाए. Assign तो set हो जाए. लेकिन इसी तरह लेकिन इफ के अंदर अगर हमें कोई चीज इक्वल चेक करनी हो तो वो उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं यहाँ पर हम इसको डबल इक्वल टू ठीक हो गया डबल इक्वल टू का मतलब है कि चेक हो रहा है कि ये और ये स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल है या नहीं समझ में आएगा ठीक है नहीं ठीक है तो N1 N2 से हम मॉड लेते हैं और देखते हैं कि वो जीरो आता है कि ना अगर वो जीरो आता है इसका मतलब क्या है जो पूरा पूरा डिवाइड होता है यानी N2 N1 को डिवाइड करता है यही मतलब है ना जिसका मतलब है कि N1 जो है वो आपका मल्टीपल है N2 का ठीक है तो हम एसेंशियली क्या करेंगे इसमें मैसेज डिस्प्ले सी आउट N1 ठीक है ये याद रखना N1 आएगा फिर ये ब्रैकेट में आएगा इज मल्टीपल ऑफ और यहाँ ब्रैकेट बंद और यहाँ दोबारा सी आएगा एंड ठीक है आप चाहें तो यहाँ पर एंड ठीक है जी सर N1 स्मॉलर है N2 बड़ा है तभी तो जीरो जाएगा नहीं आएगा ना ये तो पूरी बात की थी हमने वहाँ पर पहले जवाब कर रहे हैं कि 42 मॉड 52 कितना आता है 42 आता है ठीक है All right. जी सर अगर एक इक्वल टू दिस इक्वल टू मतलब जीरो होगा क्योंकि अगर N1 मॉड N2 इक्वल टू जीरो साइड हुआ था तो भी जीरो N1 मॉड N2 निकाला हमने और अगर इस जगह पर जीरो आ गया तो वो चेक कर सकते हैं जीरो के बराबर है जो जीरो के बराबर आया तो मतलब है कि N1 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो N1 इज अ मल्टीपल ऑफ N2 सर अगर एक इक्वल टू मतलब होगा क्या अगर ये साइन हुआ था तो अगर N2 mod N1
जीरो का ऐसा मतलब क्या है नहीं खामोश दो हाँ नहीं बताओ अगर n2 का मॉड लिया n1 के साथ तो जीरो आ गया ऐसा मतलब क्या है इसका मतलब तो मतलब है n1 n2 को पूरा पूरा डिवाइड करना है यही मतलब है ना सर कि पूरा पूरा डिवाइड कर तभी वो मॉड जीरो आया होगा समझ में ठीक है तो इसके केस में हम क्या आउटपुट करेंगे सी आउट हम बताओ क्या करेंगे n2 इज मल्टीपल ऑफ n1 जी इसके अर्थ में क्या करेंगे इसके अर्थ में क्या करेंगे हाँ जी इसके अर्थ में क्या करेंगे नॉर्मल अच्छा कोई किसी का मल्टीपल नहीं है ना तो सी आउट सी आउट नॉन इज द मल्टीपल ऑफ ठीक है बस समझ आई ठीक है ये हमारा ठीक है तो दूसरा क्वेश्चन था वैसे चली ये पूछ हमें नाम क्यों बता ठीक है फंक्शन है नहीं 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 ये इफ इफ एक कंस्ट्रक्ट है एक कंट्रोल स्ट्रक्चर हाँ इस इफ के साथ ही एल जाता है ये इफ के फौरन बाद जो अगला ब्लॉक ये से इसे इसको ब्लॉक है ये है ना ये इसको ब्लॉक है ठीक है इसको ब्लॉक है ठीक है और ब्लॉक के अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट इसके साथ एसोसिएटेड होगी कि सिर्फ के इस कंडीशन के साथ तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारी स्टेटमेंट यहाँ लिखी है वो चलेगी ठीक है इसके फौरन बाद एल्स आ सकता है या एल्स इफ आ सकता है लेकिन वो लाजमी नहीं है आप चाहें तो एल्स इफ ना लिखें ठीक है लाजमी नहीं हर इफ के साथ एल्स लगाना जरूरी है लाजमी बिल्कुल नहीं है ठीक हो गया सही तो ये प्रॉब्लम अगर इस पर ट्रू ना हो तो सेकंड वाले में आएगा सेकंड वाले में ट्रू कंडीशन लगी हुई है तो ये भी चेक होगा पॉसिबल और अगर ये भी ट्रू ना हो तो फिर यहां पर आ जाएगा डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आउटपुट कर देगा क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं ठीक हो गया किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज ये जो सी आउट से बता दीजिए ये क्या सी आउट एंड क्योंकि एंड टू मॉड एंड वन जीरो आया इसका मतलब क्या है तो मतलब है कि n2 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होता है n1 से तो n2 इज मल्टीपल ऑफ n1 ठीक हो गया सही है जी आपका नाम क्या सॉरी मारो हम बताएं अगर पहले वाले पे मतलब 2 आ गया ये तो पता लग गया कि ये मल्टीपल है तो फिर अगर हमने नेक्स्ट वाला चेक करना हो तो कैसे नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है अगर पहले वाला 2 आ गया तो क्या दूसरा चेक करने की जरूरत है सर देखिए 3 का मल्टीपल अगर 1 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल है 3 1 का मल्टीपल है तो 1 तो 3 का नहीं होगा बेटा मेरा आपका एक नंबर है 6 एक नंबर है 12 एक है 6 12 6 का मल्टीपल है 6 के पहाड़े में 12 आता है 12 के पहाड़े में 6 आता है ठीक है 1 के पहाड़े में तो 3 आएगा 3 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा सर मतलब कि ये इफ वाला अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो एल्स पे जाएगा ही नहीं ठीक है वो एक्चुअली डायरेक्टली इसके बाद इस एल्स के बाद अगर कोई चीज लगी हुई है वहां सर अगर दोनों एक ही नंबर हो हां दोनों वेरी गुड दोनों अगर एक ही नंबर हो तो फिर ये बात सही नहीं है इसीलिए स्टेटमेंट में मेरे ख्याल में लिखा था कि डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए लेकिन सर अगर सेम भी हो तो आए अगर सेम मसला कोई भी नहीं वो फिर भी दोनों कह देगा कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 दैट्स ओके ठीक है ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस ओके लेट मी गिव यू 2 मिनट्स यू कैन रिलैक्स Thank you.
मैं इसको डिबगिंग करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला काम देखें, एक बहुत छोटी सी बात कहनी है आपको, देखिए आप बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो पहले बिल्ड करते हैं, बिल्ड का मैसेज आया होता है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई एरर है और वो फिर भी वो लॉन्च हुआ कि बच्चे गलत पा रहे हैं। पहले आप देखें कि यहाँ पे एरर जीरो हो, वार्निंग बेशक एक या दो हो उनके पढ़ने, लेकिन एरर जीरो हो रही है। अगर यहाँ पर रेड स्पॉट आ जाए तो उसका मतलब कि आपको एरर आके पहले वो एरर रिमूव करें, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है जी, ये मैं आपको ये प्रोग्राम चला भी कर दूँ। जैसे पहले दो नंबर मांग रहा है, ठीक है, मैं मैसेज नहीं किया बट डेट ओके। एक हम करते हैं 20 और एक करते हैं, पहले हम करते हैं 10 और अच्छा करते हैं 20, ठीक है। ऐसा कर दिया हमने, यहाँ आ गया, यानी सी दिस कैन और हमारा 10 और हमारा 20, ठीक है जी। 10 मॉड 20 कितना होता है? 10 होता है ना, तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि 20 मॉड 10 क्या होता है? जीरो। तो ये इसके अंदर जाएगा, बिल्कुल चला गया, ठीक है, क्योंकि वो जीरो। यहाँ गए, यहाँ जाके ये से सी आउट किया और आपका प्रोग्राम 20 इज द मल्टीपल ऑफ, ठीक हो गया। ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हाँ सर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक मिनट आप, यहाँ एक्चुअली मैं कह सकता हूँ इधर मल्टीपल आ जाए 2, अगर मैं चाहूँ तो साथ उसको दिखा भी सकता हूँ कि वो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया। साथ मैंने ये भी मल्टीप्लाई कर दी कि वो मल्टीपल किस चीज का है ना, n1 डिवाइड बाय n2 से क्या अंतर आएगा? वो वैसे भी वो ये दिखा देगा इसे मल्टीपल ऑफ, ये पूरा बता रहा हूं मैं कि मैं इतने मल्टीप्लाई बाय इतने का आंसर है, ये इस मल्टीपल का एक्चुअली आंसर है। और यहां पे मैं एक्चुअली चाहूं तो देख सकता हूं डॉट लगा के n2 डिवाइड बाय n, ठीक है, देखो मैंने 20 लिखा और ये n लिखा, ठीक है, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ, ठीक हो गया बस ना ही। आप कुछ और भी इसमें दे सकते हैं, लेट्स से 24 और सॉरी 6 24 6 मल्टीपल ऑफ, ठीक हो गया, सही है। ऑलराइट, सो फार सो गुड, ओके, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट जी। प्लीज ये सेंटेंस पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो मस्त सैंपल इनपुट है, पैरामीटर भी दो तीन वैल्यूज देता है। Okay.
तीनों में से जो सेकंड मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो तुमने बतानी है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट में देता हूँ ये कौन सा 50, 25, 100, तो क्या आंसर आना चाहिए? 50 आंसर हो 50, 100, 25, ये क्या आंसर आना चाहिए? 50, ठीक है। इसी तरह अगर आंसर आए 2, 5, 10, क्या आंसर आना चाहिए? 5, ठीक है। 10, 5, 2, क्या आंसर आना चाहिए? 5, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये वो केस है जिसपे n n वन पड़ा, ठीक है, ये वो केस है जिसपे व्हाट अबाउट 1, 10, जब कोई एक भी फॉल्स हो,
ठीक है, यानी कि पहले की फॉल्स होगी तो बाकी उसका चेक करने की शायद जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सॉरी और में कोई भी एक और जो है, और में क्या उसका मतलब क्या है, और का मतलब ये, अच्छी तरह अगर और कंडीशन लगी हुई हो इसका मतलब क्या होता है, साइन क्या मतलब है, कोई भी अगर एक ट्रू हो तो वो और अगर दोनों ट्रू हो तो तब भी अंदर, ठीक है, बस ना ही अब कोई एक भी ट्रू है तो आ जाएगा और अगर एक से ज्यादा ट्रू है तो भी आ जाएगा, ठीक है, यानी एटलीस्ट एक ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, ये बस ना ही और ऊपर सारी की सारी ट्रू, ऑल ऑफ देम मस्ट बी ट्रू, ओके, ये बस ना ही। और अगर मैं इसका उलट कहूं कब वो इफ के इस ऊपर वाले में इफ में नहीं जाएगा, जब एटलीस्ट एक फॉल्स हो, सही मतलब है इसका, और कब वो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, जब सारी की सारी फॉल्स, ये बात समझोगे, ठीक है, नहीं समझाएगा, चार C++ में जैसा मैं स्क्रैच में देखा था, C++ में भी बिल्कुल इसी तरह से ये स्टेटमेंट देख सकते हैं, बस एंड की जगह पर जो चीज यूज होती है वो ये दो दफा एट के ऊपर सेवन के ऊपर जो एंड लगा हुआ है ना, शिफ्ट दबा कर करेंगे तो ये दो दफा एंड समझ आएगा। इस तरह और के लिए क्या यूज करते हैं, और के लिए ये डबल पाइप साइन यूज करते हैं, पाइप का भी ध्यान अच्छा, अब इसी सवाल पर वापस लेते हैं, ये आपको मैंने बातें बता दी है कि आप एड और कंडीशंस बड़ी बड़ी भी लिख सकते हैं, पहले कंडीशन से एक ही रहता था, लिख रहे थे ना लेस देन की या ग्रेटर देन की या डबल इक्वल टू की, अब आप चाहें तो मल्टीपल कंपोजिट्स कंडीशंस भी लिख सकते हैं। कंपोजिट कंडीशंस का मतलब क्या है, कि आप बहुत सारी कंडीशंस को मिला कर लिख रहे हैं, समझ में आ गई बात, एक मिनट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमने इन कनेक्टर्स को यूज करके कंडीशंस को बहुत बड़ा बना सकते हैं, सारी चीजें कटी चेक होगी, समझ में आएगा। अच्छा जी, आप सवाल क्या, सवाल हम दोबारा पढ़ते हैं, हमने तीन नंबर इनपुट लेने और आपने बताना है कि कौन सा नंबर सेकंड हाईएस्ट है या सेकंड लोएस्ट, ठीक है। लुक एट दिस एग्जांपल एंड प्लीज डिस्कस कि हम कंडीशंस क्या है, प्लीज Thank you.
से भाई अजीज हसन ने एक बात की है या प्लीज बात सुनो अजीज कहता है कि अभी आगे बिल्कुल ठीक है कहता है मैं अगर ये स्टेटमेंट लिखूं कि एन वन ग्रेटर है एन टू से और एन टू ग्रेटर है एन थ्री से यानी ऑफ कोर्स एन टू एन वन से छोटा है और एन थ्री से बड़ा है ये इनमें से कौन सा किस बनता लेकिन अच्छा ये कंडीशन इस तरह लगाओगे ना अच्छा ये कंडीशन बाद ये कंडीशन नहीं चलेगी कंपाइलर चलाता है तो चलाता है इस तरह से कि पहले वो सिर्फ ये पोर्शन सॉल्व ठीक है पहले वो ये पोर्शन जी एन वन की बेटा वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू क्या है टेन क्या ग्रेटर देन है फाइव से यस है अच्छा अगर ये वैल्यू ग्रेटर होती है तो होता क्या है कि इस जगह पर या ट्रू या फॉल्स रिप्लेस हो जाता है या ट्रू या फॉल्स रिप्लेस हो जाता है ट्रू या फॉल्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब होता है जीरो तो एसेंशियली इस जगह पर रिप्लेस हो जाता है जीरो तो एसेंशियली ये एक्सप्रेशन रिप्लेस हो जाता है जीरो से क्या जीरो ग्रेटर देन फोर से नतीजतन ये स्टेटमेंट नहीं चल ये बात समझ इसीलिए इस चीज को लिखने के लिए हम कनेक्टर्स यूज करते हैं इस चरण में लिखने के लिए हम एसेंशियली कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे n1 is greater than n2 and n2 is greater than ये बात समझ ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड देखते हैं छोटी सी बात जो बता दी बैठ Thank you.
अच्छा पहला काम मैंने क्या किया, मैंने ये वेरिएबल बनाया टी, ये मैंने तीनों वेरिएबल यूज से इनपुट लगा, ठीक है, वैसे डिस्प्ले करना आप खुद करेंगे कि एंटर थ्री नंबर, ठीक है, मैंने तीनों नंबर इतना करवा लिए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं करना चाहता हूँ कि मैं पहले पहले मैं कंडीशन चेक करना चाहता हूँ एन वन के सेकेंड हाइएस्ट होने की, फिर मैं एल्स इफ में चेक करूंगा एन टू के सेकेंड हाइएस्ट होने की, फिर मैं चेक करूंगा और इसका जो एल्स होगा वो एन थ्री, ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो डिस्टिंक्ट थ्री नंबर है, तो या एन एन वन का सेकेंड हाइएस्ट होगा या एन थ्री सेकेंड हाइएस्ट होगा, अदरवाइज एन थ्री ही आएगा एन हाइएस्ट होगा। ये बात समझ गए, पहले हम एन वन की कंडीशन चेक करते हैं, आपको याद होता है एन वन की ये दो पॉसिबल कंडीशन, ठीक है, अगर इस कंडीशन को देखो तो ये क्या कंडीशन है, ऊपर वाले ऊपर वाली कंडीशन ये है कि एन वन एन टू से बड़ा और एन एन वन जो है वो एन टू से ये बात समझ आई, एन वन एन टू से बड़ा और एन वन एन थ्री एन थ्री से छोटा, ये बात समझ आई, ये एन वन की कंडीशन है जिसमें वो एन वन सेकेंड हाईएस्ट होता है, या एक और कंडीशन भी है कि एन वन एन टू से छोटा है और एन वन एन थ्री से, ये बात समझ, ठीक है, ये इन दोनों कंडीशंस का क्या है, इन दोनों कंडीशन के दरमियान में और अंदर एंड लगेगा और ये इन दोनों कंडीशन का और ये हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है, सो इट विल बी और ऑफ टू कंडीशंस, ठीक है, और किस चीज का बताएं मुझे, एंड वन इज लेस देन एंड टू एंड एंड वन इज ग्रेटर देन दूसरा लिख दिए बेटा, दूसरा क्या है, एन वन इज ग्रेटर देन एन टू बट एन वन इज लेस देन एन टू एंड एन वन इज लेस देन, ठीक हो गया, इसी तरह हम यहां पर आते हैं एन टू की कंडीशन क्या होगी, एन टू इज लेस देन एन वन एंड एन एन टू इज ग्रेटर देन एन थ्री, और क्या होगा, एन टू इज ग्रेटर देन एन वन एंड एन टू इज स्मॉलर देन, ठीक है, इन दोनों कंडीशन का, और अगर ये दोनों कंडीशन टू नहीं है तो किसी कंडीशन, ठीक है, खैर ये आप खुद भी टेस्ट कर लीजिए कंडीशन क्या, ठीक हो गया, everybody understand कि हमने क्या किया है, ठीक है, all right, जी है जी 15, actually ये 15 question नहीं है, 45 question, मैं बताऊंगा 45, तेरा में 42 है, कैसे 42 और बात, इसलिए कि जो मैं तुझे एक्चुअली पहले दफ़ा ये 14 क्वेश्चन करते वक्त में टाइम लगेगा, दूसरी दफ़ा उसको जो ट्रांजिशन है वो शायद 15 मिनट ही, ठीक है, उनको हमने किसी और चीज़ पर ढाल लें, ठीक है, बाय द वे एक छोटी सी बात मैंने पिछली क्लास में मैंने की थी वो मैं अभी यहाँ पे करता हूँ, ये जो हमने प्रॉब्लम किया ये एक्चुअली ये नहीं, मैं दूसरा प्रॉब्लम कर रहा था जो मैंने जी आपको याद है कि हमने प्रॉब्लम किया था, अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, ये मैं सिर्फ फूड फॉर थॉट सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हमने जो किया है इसमें क्या किया, हमने एक नंबर लिया, उस एक नंबर का हमने क्या किया, उसके सिक्स डिजिट्स का हमने सम लिया, सिक्स डिजिट का हमने सम लिया और वो सम हमने डिस्प्ले किया। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ लाइन का कोड उतना है, ये तकरीबन 30-40 का 30 साइन कोड, ठीक है, ऊपर वाले साइन को निकाल दीजिए, ठीक है, तकरीबन 30 साइन कोड, ठीक है, 20-25 30 साइन कोड, मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, प्लीज़ वॉच सुनो,
तुम्हारा नाम क्या है? असद। असद, और तुम कैसे हो? अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, लिसन भी, अगर मैं आपको ये सवाल कहता हूँ, अभी ये सवाल क्या है कि आपने एक नंबर यूजर से लिया और आप कहते हैं कि मैंने उनके डिजिट्स, और उसी डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स का साम निकाल, ठीक है, वो साम डिस्प्ले कर दिया, बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं, ऐसी है। अब मैं इस सवाल को बदलता हूँ, और मेरा सवाल ये है कि मैंने आप अभी तो यहाँ पे एक नंबर यूजर से पूछते हैं और उनका साम निकालते हैं और बताते हैं, व्हाट इफ कि मैं आपसे कहूँ आपने 10 नंबर यूजर से पूछने और उन सब का सम बताने कि पहले नंबर का सम ये है, दूसरे नंबर का सम ये है, तीसरे नंबर का सम ये है, चौथे नंबर का सम ये है, और इस तरह 10 नंबर का सम ये है, ये आप कैसे करेंगे? यही काम अगर मैं आपको कहूँ कि आपने करना है तब क्या करना है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, आरिस, कैसे करोगे? तुमने ये ना कोड किया है, ये एक नंबर के लिए किया ना, यही आपने दोबारा करना, ये आपने जब दो नंबर के लिए करना होगा तो क्या कर सकते हैं आप? ये आपने एक नंबर के लिए किया ना, दो नंबर, दो नंबर इनपुट नहीं, यही काम इसके नीचे दोबारा कर देते, डुप्लीकेट, यही काम इसके नीचे दोबारा करते, तो वो दोबारा यूजर से इनपुट लेगा, पहला नंबर तो डिस्प्ले हो चुका हुआ, पहले नंबर के डिजिट का साम दिया, यही काम दोबारा, अगर हमने 10 नंबर के लिए करना है तो ये 30 लाइनों का कोड है, कितनी लाइनों का कोड हो जाएगा? हाँ, कितनी लाइनों का? 300 लाइनों का कोड हो जाएगा, और अगर मैं 20 लाइनों का कह दूँ तो ये 600 लाइनों का कोड हो जाएगा, है ना, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, सिर्फ एक फूड फॉर थॉट मैं प्लान कर रहा हूँ का जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, इट्स रियली अमेजिंग आइडिया। हम अपने ये जो प्रोग्राम है और इन प्रोग्राम्स को अपने एक और तरीके से डिजाइन करें, ये सारा काम अभी मेन जो कर रहे हैं ना, अभी अगली क्लासों के से हम एक्चुअली एक ट्रांजिशन पढ़ेंगे जिसमें हम मेन में काम मिनिमाइज कर, यानी मेन में काम इतना थोड़ा होगा कि वो मिनिमम होगा, ठीक है, और ये जितना भी तुमने कोड लिखा है ये हम इस कोड को मेन से हटा देंगे और हम एक्चुअली एक अलग चीज लिखेंगे और आप समझ लें कि वो कोई ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर क्या हो रहा है वो आप जब डिजाइन करने लगेंगे तो फिर तो आपको पता होगा, वरना एज ए आउटसाइडर यानी आप मेन में होंगे तो आपको सिर्फ इसकी दो चीजें पता होंगी, वो ये एक ब्लैक बॉक्स है, इस ब्लैक बॉक्स का एक नाम है, ठीक है, कोई भी इसका एक नाम है, ये ब्लैक बॉक्स एक्चुअली एक पीस ऑफ कोड होगा और इस पीस ऑफ कोड को कुछ इनपुट्स पास होंगे, वो एक इनपुट भी हो सकती है, वो दो इनपुट भी हो सकती है, वो तीन इनपुट भी हो सकती है, मर्जी इनपुट आप चाहे कर सकते हैं, ठीक है, और वो इन इनपुट्स के ऊपर कुछ काम करेगा और वो काम करके एक एक आउटपुट रिटर्न कर देगा, एक आउटपुट रिटर्न कर, रिटर्न करने का सेंचुरी मतलब क्या है, ये इसका एक इस ब्लैक बॉक्स का नाम है, ये इसको जो हम इनपुट में चीजें देते हैं उस चीज को हम कहते हैं ऑपर इन्हें कहते हैं हम अभी क्या करना था इन्हें हम कहते हैं कि पैरामीटर्स, कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ये ब्लैक बॉक्स को हम एक्चुअली पैरामीटर्स पास करेंगे और ये इन पैरामीटर्स के ऊपर कोई काम करेगा और वो काम करके हमें उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वापस दे देगा, समझ में आया? मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ, छोटी छोटी सी एग्जांपल से शुरू करते हैं,